ये मटन बनाना दोस्तों सिंपल है। आपने यहाँ पर 1 किलो मटन के हिसाब से 500 से 600 ग्राम प्याज लेने हैं। मैंने यहाँ पर 7 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और सबसे पहले इनको छिल के इनकी रूट निकाल ली है, ताकि जब मैं इनको स्लाइसेस में करूँ तो एक एक स्लाइस जो है वो अलग अलग हो। आप कोशिश करना आप जितने फाइन स्लाइसेस में कर सकते हो उतना फाइन ही रखना। अगर मैं मटन की बात करूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 किलो फ्रेश मटन लिया है। पीसेस की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर चाप ली है, थोड़ी सी नलिया ली है रान के पीसेस और उसके साथ साथ पुट ली है। बेसिकली आपने वो पीसेस लेने हैं जो आप स्लो कुक कर सकते हो आराम से। चाप तो जल्दी पक जाती है लेकिन बाकी पीसेस आराम आराम से पकते हैं। इस रेसिपी में आप गलती से भी वो जो बाहर का अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना उसका इस्तेमाल मत करना। फ्रेश अदरक लहसुन खुद ही कूटना। 2 इंच तक अदरक है ये और एक पूरी कली है लहसुन की। हो सकता है उससे ज्यादा भी आपको चाहिए हो, लेकिन मिनिमम एक पूरी कली जरूर लेना और कूट के इसका एक पेस्ट बना लेना। आखिर में आपको हरी मिर्चें चाहिए होंगी। मैंने यहाँ पर 6 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है और उनको क्योंकि हम फ्राई करेंगे तो बीच में ऐसे कट जरूर लगा देना, नहीं तो फटके आपके ऊपर ही आ जाएंगी। अब ये हमारी प्रिपरेशन तो हो गई है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि ये मटन पकाना कैसे है। अब गैस को ऑन करना और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना। मैंने यहाँ पर एक लगन का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो आप भगवाने का कर सकते हो, देख का कर सकते हो, लेकिन गलती से भी यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल मत करना। ऐसा बर्तन जिसमें की स्टीम अंदर जाए वो एकदम बेस्ट रहेगा। तेल में मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, लगभग आधा कप सरसों का तेल है ये। और सरसों के तेल में ही दोस्तों आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, वो स्पाइसी वाला। घी जो है इसके फ्लेवर को दबा देगा और रिफाइंड ऑयल में वो किक बिल्कुल नहीं आएगा। तो सरसों का तेल ही यूज करना और अच्छे से तेल को गर्म कर लेना धुआं आने तक। गर्म गर्म तेल में आपने खड़े मसाले डालने हैं जो मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है दोस्तों ये लाल मिर्चें। ये दोस्तों तेजा है लाल मिर्च। आप चाहो तो आप तेजा यूज कर सकते हो या मथानिया यूज कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दे दूंगा खरीदने के लिए, आप ऑनलाइन इनको बहुत आराम से ले सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। जब गर्म मसाले हल्के से रोस्ट हो जाएं, फटाफट से आप कटी हुई हरी मिर्चें डाल देना और इसी टाइम पर डालना ताकि तेल में उनकी पूरी खुशबू फैल जाए। अब मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि भरत भाई आपने इसमें सूखी लाल मिर्चें डाली है, हरी मिर्चें डाली है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आगे इसमें स्पाइसी वाली लाल मिर्च का पाउडर भी आएगा और तो और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी आएगा। तो इतनी मिर्चें क्यों है इस रेसिपी में? दोस्तों राजस्थानी खाना होता है वो बहुत बोल्ड और स्पाइसी होता है, और उसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि ऐसे स्पाइसी खाना खाने से आपको गर्म महसूस होता है, जिससे कि बॉडी अपने टेम्परेचर को अपने आप ही रेगुलेट करती है और आपको ठंडा महसूस होता है। तभी आपने नोटिस किया होगा कि राजस्थानी खाना जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे कि भरत भाई आपने फिर अलग अलग मिर्चे की यूज करी अगर स्पाइसी ही बनाना था। दोस्तों फ्लेवर भी बहुत मैटर करता है। तेजा जो है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। आप चाहो तो आप मथानिया से उसको रिप्लेस कर सकते हो इस रेसिपी में। और जो हरी मिर्च है उसकी एक अपनी खुशबू भी होती है, जो की बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में। और फिर आपने यहाँ पर डालने हैं स्लाइस करे हुए प्याज। प्याज के साथ साथ फटाफट से मैंने यहाँ पर शाही जीरा भी डाल दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना दोस्तों, यहाँ पर प्याज की कुकिंग है। अगर आप यहाँ पर प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन कर दोगे तो फिर प्याज का एक मीठापन आ जाएगा, बैलेंस नहीं बन पाएगा। ये कोरमा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको प्याज को हल्का सा कलर लेने तक पकाना है, ध्यान देना इस बात का। तो जैसे ही आपके प्याज हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, फिर आप यहाँ पर सारा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देना और अब भुनाई करते रहना मीडियम फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट में ही क्या होगा कि पहले आपके प्याज थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे। ढीले पड़ने के बाद धीरे धीरे करके उनमें हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा। बस दोस्तों इसी स्टेज तक आपने इनको पकाना है, इससे ज्यादा इनको मत पकाना, नहीं तो प्याज ज्यादा मीठापन देना शुरू कर देंगे और वो जो मिर्ची का बैलेंस है वो बन नहीं पाएगा। इस टाइम पर आप यहाँ पर अच्छे से मटन को धोकर डाल देना। और मटन के साथ साथ ही मैंने यहाँ पर 4 देसी लहसुन की कलियां डाल दी है। अब आपने इसमें पूरी पूरी लहसुन डालनी है। और आप बोलोगे कि भरत भाई आपने बिहारी मटन में, बिहारी चिकन में भी पूरी पूरी लहसुन का इस्तेमाल किया था, तो ऐसे यूज करने से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखो दोस्तों इस रेसिपी का इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी पूरी लहसुन यूज करना। और उसको यूज करने का तरीका ये है कि आप ऊपर का इसका एक छिलका पील कर लेना और उसको फिर गर्म गर्म पानी से धो लेना। आप आराम से उसको यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस लहसुन डालते ही आप फटाफट से नमक जरूर डाल देना, ताकि वो प्याज की कुकिंग को फास्ट करे और मटन से भी सारा पानी निकाले। और मटन के अंदर हम इसी नमक से बहुत अच्छा फ्लेवर ला पाएंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। फिलहाल आप यहाँ पर देखो कि नमक डालने से धीरे धीरे पानी कैसे रिलीज होता है प्याज से और मटन से। आप ये देखो कैसे बुलबुले बड़े हो जाएंगे और पानी का लेवल ही बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
यहाँ पर भुनाई पूरी चालू रखना और मटन का सारा पानी रिड्यूस कर देना। जैसे ही पानी गायब होने लग जाए, तेल ऊपर आने लग जाए, फिर आप यहाँ पर डालना मसाले। एक टीस्पून आपने स्पाइसी वाला मसाला डालना है, एक टेबलस्पून आपने कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो टीस्पून जीरा पाउडर और भर के धनिया पाउडर। ये आपने दोस्तों इसी टाइम पर डालना है। मटन में क्या होता है कि भुनाई के बाद जब उसका पानी निकल जाता है ना, फिर वो सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। और ये मसाले क्या करेंगे, ये मसाले मटन के अंदर अच्छे से सीप इन कर जाएंगे, अच्छे से घुस जाएंगे, जिससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तभी तो मैंने पहले नमक डाला था। अब आप भुनते रहना मसालों के साथ इस मटन को, प्याज को, जब तक कि तेल आपका अच्छे से अलग नहीं हो जाता। यहाँ पर मसाले जो है वो थोड़े से फूल जाएंगे और जितना एक्सेस मॉइस्चर होगा ना, उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेंगे और सीधा मटन के अंदर तक सीप इन कर जाएंगे। जब तेल अलग होना शुरू हो जाए, फिर आप यहाँ पर बस दो हाइब्रिड वाले टमाटर डालना, और ऐसे ही डालना दोस्तों, काट के मत डालना। अगर आप टमाटर को चॉप करके डालोगे तो वो एसिडिक बना देंगे और मटन और प्याज की भुनाई को रोक देंगे। हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, हमें अच्छे से भुनाई भी करनी है और इतनी देर में टमाटर भी आराम से पकेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप एक दो मिनट तक टमाटरों को भुनना, दो मिनट के बाद ही क्या होगा कि इनका जो छिलका है वो बहुत आराम से निकल जाएगा, तो वो जरूर निकाल देना ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। छिलका निकालने के बाद अपने रमचे से, करछी से आप क्रश कर देना और मटन के साथ अच्छे से भुनने देना। भुनते 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 जब तेल पूरा अलग हो जाएगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको ये सब करने में, तेल जब पूरा अलग हो जाएगा तो आप मान के चलना आपकी सारी भुनाई खत्म हो चुकी है। इस स्टेज तक आपने पकाना है दोस्तों। फिर आप यहाँ पर थोड़े से बादाम डाल देना, थोड़े से काजू मैंने डाले हैं, किशमिश भी डाली है और ये सारी चीजें कच्ची हैं, और थोड़ी सी मैंने क्रश करके भी डाल ली है। मारवाड़ी मटन में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और बहुत यूनिक आता है। इस भुने हुए मटन के साथ आप सारी चीजों को अच्छे से मिला देना। और अब क्या करना है, अब आपने मटन गलाना है। आपका मटन लगभग पक चुका है दोस्तों। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हो तो इस मटन के साथ साथ आप यहाँ पर प्रेशर कुकर में 1 से 2 कप तक पानी डालना। जो मसाले मैं आगे डालने वाला हूँ वो सारे डाल देना, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना और 3 सीटी देना मीडियम फ्लेम पर। जब प्रेशर कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना, तो आपका मटन बनके पूरा तैयार है। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कुकर में, या मेरी तरह ऑथेंटिक तरीके से भी कर सकते हो, आराम आराम से स्लो कुक करके। थोड़ा रिजल्ट और बेटर आता है। आप इसी में ही गर्म पानी डाल देना लगभग 2 कप के आसपास। पानी डालने के बाद आपने यहाँ पर एंड की चीजें डालनी है, जो कि है गरम मसाला, सौंठ का पाउडर यानी कि सूखी अदरक का पाउडर, घिस कर मैंने फ्रेश जायफल डाला है और थोड़ी सी जावित्री डाली है। ये मसाले एंड में डालने बहुत जरूरी है ताकि एक गरम गरम वाला फ्लेवर ला कर दे और मिर्ची के फ्लेवर को एनहांस करे। देखा दोस्तों कितनी सोच कर बनाई गई है ये रेसिपी। बस ये सारी चीजें आप अच्छे से मिलाना और इसको अच्छे से बर्तन से ढक देना। ढक कर थोड़ा सा प्रेशर लगा सको तो और भी अच्छा है, लेकिन ढक कर आप 20 से 25 मिनट एकदम लोएस्ट फ्लेम पर आराम से पकने देना मटन को। इतनी देर में आपका मटन बहुत अच्छे से गल जाएगा दोस्तों, और आपको एकदम अमेजिंग मारवाड़ी मटन मिलेगा। आप दोस्तों इस ठंड में ये बनाकर जरूर देखना, ग्रेवी का टेस्ट ही एकदम अलग है और जो स्पाइसीनेस, जो किक आती है ना, उसका स्वाद ही एकदम डिफरेंट है, और मटन भी एकदम गला हुआ आएगा, ये देखो आप। तो है ना दोस्तों अमेजिंग। मैं ऐसे ही मटन की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज जरूर लेकर आऊंगा दोस्तों, तो आप वो जरूर देखना। और अगर आप मटन करी की एक बहुत इजी रेसिपी देखना चाहते हो तो आप ये वीडियो देखना। इसमें मैंने सारी चीजें, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मटन, सब कुछ एक साथ डालकर बस सीटियां मार दी है और मटन करी बनके पूरी तैयार है। बहुत ही यूनिक है, आप ये वीडियो भी देख सकते हो, आपके बहुत काम आएगी।